अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ वजारत की जानिब से भी हदायत कर दी गई है और कुछ मैं अपनी जानिब से आपको कुछ चंद एक अहम मालूमात बताने लगा हूँ। मक्का में हज से पहले जो लोग इस साल 2024 में हज के लिए जा रहे हैं, दुआ है पहले कि अल्लाह ताला इनका हज कबूल फरमाए, इनका सदका हमें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करने वाले और व्यूवर्स को भी हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए। कमेंट्स में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। वजारत हज की जानिब से चंद हदायत की गई हैं। हज जो फ्लाइट ऑपरेशन है आपको पता है, एक माह तक जारी रहेगा, 9 मई से 9 जून तक, और जो हज है ये 14 से 19 जून 5 दिन तक का होगा। जो लोग पहले पहले फ्लाइटों में मक्का पाक पहुंच जाएंगे उनको वजारत की जानिब से हदायत है कि एक तो खुद को सेहतमंद रखते हैं और सेहतमंद खुद को रखें, फालतू मत घूमें, इधर उधर ना जाएं, शदीद गर्मी और हबस से बचें ताकि हज के जो 5 दिन हैं थोड़े से सख्ती वाले अच्छे तरीके से आप गुजार सकें। हज का मुकम्मल तरीका लाजमी सीखें और हज के तरीके की किताब भी अपने पास रखें, दूसरों की रहनुमाई करें। हीट स्ट्रोक से लाजमी आपने बचना है और एक्स्ट्रा शॉपिंग वगैरह कुछ खरीदो फरोख्त आपने नहीं करनी। जब वापसी आने लगेंगे तब आप ये काम कर लीजिएगा, पहले से आप सामान खरीद के कहां पे उसको संभालते फिरेंगे। इसके अलावा रियाल लाजमी साथ लेकर जाने हैं और रियाल आपने सेव रखने हैं, स्टार्ट के दिनों में, आखिरी दिनों में ज्यादा लगा सकते हैं। और डेफिनेटली आप 8, 10, 12, 14 लोगों के ग्रुप में साथ जा रहे हैं, अपने ग्रुप मेंबरान के साथ एक तो कॉन्टेक्ट रखें, दूसरा अपने लीडर की लाजमी रहनुमाई हासिल करें। साल 2024 में हाजियों का बहुत ज्यादा रश होगा, दुआ है कि अल्लाह ताला इस रश में आपका हज कबूल फरमाए, आपका सदका हमें भी बैतुल्ला की हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर को व्यूवर को भी हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए। यही वीडियो पंजाबी में देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल वीजा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी उसको जाके एक्सप्लोर लाजमी करें, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो वहां से मिलेगी। अलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और रोजाना कुरान की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।